तो गाइज हो गई है हमारी गाड़ी की कंप्लीट सर्विस, जो कि आप देख सकते हैं बाहर है खड़ी और ये रहा इस। हेलो भाइयों, मैं विताल, स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ अपनी इस गाड़ी की सर्विस कराने, जो कि अर्टिगा BXi CNG है। काफ़ी टाइम हो गया समथिंग ये मैंने सर्विस इसकी कराई थी, 20 या 22 हज़ार के आसपास कराई थी। तो यार बरसात का मौसम है, फ़ोन करा था एजेंसी पर, पता चला कि एजेंसी पर वर्कर्स भी खा लिए, तो मैंने सोचा चलो हम भी फ्री हैं आज तो चलते हैं आ जाए यहाँ फ्राइडे। तो देख सकते हैं बरसात का मौसम है, गाड़ी किस कदर गंदी हो रखी है यहाँ पे। मतलब काफ़ी दिन हो गए जब से बरसात है, हम मानसून आया तब से वो गाड़ी एक भी बार धुली नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे पीछे मतलब अच्छी खासी गंदी है कंडीशन ये है। बाकी अभी आपको मीटर वगैरह दिखाऊंगा कि गाड़ी कितनी चल गई है समथिंग, यार मुझे याद नहीं 20 या 22 हज़ार पे समथिंग सर्विस कराई थी। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर तो देखते हैं मीटर की कितनी चली हुई है कितनी नहीं। ये गाड़ी मेरी चल चुकी है 35,980 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समथिंग मैंने 20 या 22 हज़ार के आसपास सर्विस कराई थी। बाकी फ़ोन किया था तो पता चला तब खा लिया मैंने, चलो यार हम भी खा लिए आज, थोड़ा मौसम में गर्मी भी है, धूप वगैरह निकली हुई है यहाँ। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अर्टिगा की ये शायद चौथी सर्विस है, जो कि फ्री वाली तो शायद हो चुकी है, तीन होती हैं शायद सर्विस, तीन या चार। बाकी मैं पुरानी वीडियो अपनी देख के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जो कि थंबनेल होता है उस पर मैं लिख दूंगा। पर मुझे अंदाज़ा है, मतलब याद नहीं है अच्छी तरीके से ये कौन सी सर्विस है कौन सी नहीं समथिंग। यार 35,000 पे, मतलब ये इससे पहले वाली सर्विस हुई थी पेड सर्विस, तो ये भी पेड ही सर्विस है। बाकी उसमें कॉस्ट समथिंग 5,000 के आसपास लगी थी, 5,051। तो बाकी इस ये सर्विस है वो थी 22,000 के आसपास, 20 या 22, और ये सर्विस है 35,000, मतलब 36,000 वाली सर्विस। बाकी देखते हैं इसमें कितनी कॉस्ट आती है और क्या कुछ चेंज होता है सर्विस में, एयर फिल्टर मतलब जो भी AC फिल्टर वगैरह देखते हैं, मोबिल वगैरह तो चेंज होगा ही, नॉर्मल सी बात है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चेंज होगा वो सब मैं आज इसी वीडियो में कवर करूँगा, क्या कुछ उनकी कॉस्ट आती है, कितना टाइम लगता है, क्या कुछ नहीं होता। बाकी आप बने रहिएगा इस वीडियो में, आप देख पाएंगे कि सर्विस में क्या कुछ होता है, कितना टाइम लगता है और कितना चार्ज हमें देना पड़ता है। अब तो खैर इसमें जो भी होगा सब हमें चार्जेस देने ही होंगे, बट जो फ्री वाली थी उसमें हमें थोड़ा बहुत चार्ज देने पड़ते थे, 20-22 रुपये या 100-150 के आसपास। बाकी ये तो पेड वाली है, चलिए पहुँचते हैं एजेंसी पर फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो गाइस आ गए हम सर्विस सेंटर पे, बाहर खड़ी है हमारी गाड़ी, अब होगी अंदर, बाकी जो कि पहले होता है धुलाई वगैरह वो होगी। और फिर पहला ही नंबर है लगा हुआ हमारा एजेंसी पे सर्विस में, ये तो गाड़ी तैयार हो रही है, मतलब रेडी हो रही है जाने के लिए, बाकी यहाँ पे लगेगी हमारी गाड़ी सर्विस के लिए। तो अब ली जा रही है हमारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, जो कि भैया सर्विस करते हैं यहाँ पे, ये रहे भैया, क्या नाम है? विनीत शर्मा, जो कि आते हैं पीलीभीत से। हैंड ब्रेक लगाए भैया? नहीं लगाए। लगाए बटा है, हैंड ब्रेक लगा था भाई। तो भैया ले रहे हैं टेस्ट ड्राइव, देखते हैं कि कैसी चल रही है, क्या कुछ इसमें दिक्कत है क्या कुछ नहीं। वैसे क्या क्या भैया चेक करोगे? सारी चीज़ चेक करते हैं, गड्ढे वड्ढे भी चला के, अलाइनमेंट उलाइनमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा सारी समस्या चेक करते हैं। मतलब इसमें अलाइनमेंट वगैरह, व्हील बैलेंसिंग वगैरह सारी कुछ चेक होगी, उसके बाद लगेगी गाड़ी नंबर पर, जो कि सर्विसिंग का नंबर है। बाकी ये सर्विस चौथी सर्विस है, जिस हिसाब से मैंने पूछा है भैया से, क्यों पहली हुई थी 22 या 20 पे, अब ये हो गई है 35, मतलब 36,000 समथिंग चल गई है, जो कि 18 या 19 किलोमीटर बची है। और ये है हमारा सर्विस सेंटर जो कि पीलीभीत में पड़ता है। बाकी इसकी जो मेन ब्रांच है जो कि है यहाँ से पीलीभीत, जो कि यहाँ पड़ जाता है हमें 47 किलोमीटर के आसपास होगा, 40-47 किलोमीटर के आसपास वहाँ से ये कनेक्टिंग है। बाकी हम तो यार सर्विस यहीं कराते हैं, बाकी जो लोग भी पास पड़ोस के हैं बीसलपुर के आसपास के 20-25 किलोमीटर के आसपास, यहाँ सर्विस कराएं, जो कि यहाँ भैया काफ़ी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो भैया क्या कमी लग रही है, कोई दिक्कत? कमी तो कोई नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है चलने हम, ना कोई आवाज़ है ना कुछ है। आवाज़ तो इसलिए ना होगी यार, चलती है हल्के ही आराम से चलाते हैं अपनी समझ के तो कोई दिक्कत तो आनी नहीं है, दिक्कत तो तब आएगी ना जब मतलब अंधाधुंध चलाओ, तब ज़्यादा दिक्कत आती है।
यहीं पे गाड़ी लगी थी हमारी, जनरेटर ये खड़ा है, इसका नट था निकला हुआ यार, वो हम ध्यान दे नहीं पाए, वो हल्के हल्के बैक की अभी से लगी थी। अरे भैया चला रहे थे, हम बता रहे थे, हम उस तरफ थे खड़े हुए। यहाँ पे सर्विसिंग के लिए, तो यहाँ पे सर्विसिंग के लिए ऊपर जा चुकी है हमारी कार, जो कि आप देख सकते हैं चारों टायर खुल चुके हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे रखे हूँ। बाकी यहाँ पे मोबिल वगैरह निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रख रखा है इनने टब, और ऊपर से भैया खोल रहे हैं। तो भाई कितना टाइम लगेगा इसमें? 2 घंटे से ऊपर। गाड़ी का टंकी, जैसे कि इसकी स्टपनी की बात की जाए तो यहाँ पे मिलती है हमें इसकी स्टपनी, और अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो यहाँ पे फ्यूल टैंक रहा, जो कि इसका समथिंग 40 से 45 लीटर का फ्यूल टैंक है, और यहाँ से इसकी पाइपलाइन जाती हुई हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि 1, 2, 3, 4 पाइप हैं, इसमें 2 हैं CNG के और 2 हैं पेट्रोल के, जो कि आगे इंजन तक जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। इधर तो अब होगा हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट, जो कि ये रही इसकी अलाइनमेंट। मतलब अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, बिना व्हील कैप के गाड़ी लगती कहती है, मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ऐसे लगती ना जैसे कपड़े उतर गए हों गाड़ी के। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अभी जब आएगी गाड़ी आगे तब आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बिना व्हील कैप की गाड़ी ऐसी लगती है जैसे ना किसी ने इसके कपड़े उतार लिए हों, एकदम देखने में बकवास सी लगती है। अभी इसका बोनट है खुला हुआ, इसमें क्या 2 बार में हो भाई ये? अच्छा जे अलाइनमेंट वाली मशीन तुम्हारे चेयर क्यों हर जगह चेंज होता है क्या? जैसे बांह बोती दूसरी वाली, जैसे सोलर पैनल वाली थी बोती। मतलब इसमें उधर भी लगेंगे, फिर उधर उधर से भी लगेंगे, मतलब दो 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 बार में होगा, एक एक बार में, एक बार में दो, एक बार में दो, एक बार में दो, एक बार में दो। अच्छा
यार गंदी बहुत है, क्या लिखा जी रिजल्ट प्लस माइनस। अच्छा जी गाड़ी कितनी चल जाता है तब होना जरूरी है? 5,000। हमारी तो यार 10,000 से भी ज़्यादा चल गई है, कम से कम 12,000 चल गई है। अच्छा अच्छा छोटी गाड़ी पर है जरूरी। जो तो यार मशीन यार भाई खुली हुई है तुम्हारी यार, काम करेगी जी? सब कार्ड वगैरह ऊपरी से दिख रहे हैं। ये जो पैनल इसका गड़बड़ करता है। अच्छा पैनल निकल जाता ना, अपन टूटा हुआ है। अलाइनमेंट सही हो है। अरे चारों रिसेट करने हैं। इस पर माउस का काम कोई काम ना है। माउस अच्छा अंदर है, माउस तुम्हारा रखा। तो क्या इसमें गाड़ी की डिटेल डालनी पड़ती हुई? यूपी 26 AM 4609 4609 रोगान।
फैंटम है क्या इसमें? तो गाइस यहाँ पे लगा है एक सेंसर, उधर एक सेंसर लगा है उस तरफ, तो इन चारों में भी सेंसर लगे। अभी मैं आ गया था बीच में, तो आ गया है बीच में यहाँ पे एरर मैसेज, तो इसलिए मैं हट गया हूँ साइड से बैठ के। ठीक है, 18-22 सही है, बस हो गया, इतनी देर का काम था। और इधर का चार्ज कितना है? ये चिल्ला हूँ जो। खैर भाई, मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। ये चीज़ें गुप्त हैं। क्या टाइम लगता? 3400 रुपये इसके ब्रेक पैड है, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे डालने। सही है। तो अभी तो सही है हमारे ब्रेक पैड। सही है। इधर चलना है ना? चेंज गंदा है, चेंज होगा खराब हो गया है, कैसे पता? कंडीशन दिखती है, बदल आने लगे ऊपर। अच्छा, तो सब फ्लोर में वैसे कूलिंग तो यार अभी बहुत करती है। कूलिंग तो करेगी, ये एसी फिल्टर है एक तरह का ये। अच्छा, जो ये आती है उसको छान के ऊपर को देने के लिए। नहीं डलवाएंगे तो आप कूलिंग वाइज चौक हो जाएगी इसकी। डाल दो, हवा भी हल्की होगी। अच्छा, मतलब जब चेंज हो जाएगा तो कूलिंग बढ़ जाएगी। मतलब अच्छा भाई, गंदा मतलब रुआ आ रहा है इसके अंदर जे, रुआ आ रहा तभी जे। ये है, ये गंदगी तो है ये पूरी जे। अच्छा, ये सब गंदगी भरी हुई। अच्छा भाई, से जो नया कहता होगा वाइट कलर में, ये पूरा सफेद होता है। बहुत फर्क है जो छोटा है, वो होगा 525। तो मतलब ये हो गया हमारा गंदा, मतलब बोल सकते हैं इसे ख़राब। अगर इसको हम चेंज नहीं कराएंगे तो अंदर जो भी कुछ होता होगा वो जाएगा चोक, और अगर वो चोक हो गया तो मतलब एकदम लंबा चौड़ा खर्चा पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको चेक करा, इसको चेंज कर ले रहे हैं चेक करके। अच्छा, मतलब जो वाइट है, और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइसिंग है 625। बाकी देखते हैं MRP पे या कुछ कोई डिस्काउंट वगैरह, बाकी आपको चेक करके सभी कुछ बता दूंगा। ये है इसका एयर केबिन कंडीशनर फिल्टर, जो कि आप देख सकते हैं एवरी 10,000 किलोमीटर पे या फिर एक साल में आपको चेंज कराना ही कराना है इसको। तो ये देख सकते हैं आप फ़र्क, ये एकदम गंदा हो गया और एकदम नया जो कि वाइट है। मेन बात है आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पर जो कि रूएँ वगैरह आ रहे हैं तो उसका मतलब ये फ़िल्टर हो गया ख़राब, और ये है एकदम नया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलो लगा दो फिर जी। इधर बड़ा है ये काटे नहीं। अच्छा, कट जाता है। Thank you.
हो गया यार। एक चीज और है इसका, जो यार जो यहाँ पे जो सिलेंडर रखा है इसका फायर वाला, वो यार आवाज करता है यार। यहाँ पे होगा इस वाली सीट के नीचे बीच में, वो आवाज करता है खट खट की। ये लगा हुआ सही नहीं है। सही नहीं लगा है तो लगा दो, करता जैसे यार चलाते हैं गाड़ी तो खट खट की आवाज आती है। सीट करें पीछे, पीछे आगे हो रही है। ये कितने टाइम तक चलता है ये फायर चलाओगे तो थोड़ी देर ही तक चलता है ना भाई, तो एक्सपायर वगैरह तो नहीं होता है ये? एक्सपायर की भी डेट पड़ी है। देखो भाई नहीं है डेट नहीं। तो अभी हुआ थोड़ी ना होगा, एक साल से ज़्यादा हो गई, एक डेढ़ साल होने जा रही है। किसी गाड़ी चलते चलते इसकी जगह बदल गई ना, ये चेंज करा होगा किसी ने, निकाला होगा, ऐसे लगेगा ये। अब सही है, आवाज नहीं करेगा ना, तो सही है ये। अब ये टाइट हो जाएगा पीछे से। हमारे यहाँ बिसलपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में पड़ता है बिसलपुर, ये है मारुति का वेटिंग एरिया, जहाँ पे आप अगर सर्विस कराने आते हैं अपनी गाड़ी का तो अपनी गाड़ी को बाहर खड़ी कर सकते हैं, बाहर का एरिया सर्विस वगैरह होता है। और यहाँ आप आराम से वेटिंग वगैरह रूम है, जो वेटिंग रूम है यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। जैसे कि यहाँ नॉर्मल फैन वगैरह लगे हुए, लेकिन एसी वगैरह नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक है, मतलब यहाँ के हिसाब से नॉर्मली ठीक है। बाकी अगर आप पीलीभीत वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आपको अच्छी खासी सुविधा ऑफर की जाती है, आराम से बाहर आपकी गाड़ी सर्विस होगी, अंदर आप वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं, वहाँ एसी वगैरह सारा कुछ सेटअप लगा हुआ आपको मिलेगा। अब गाड़ी हो गई है कंप्लीट, जैसे कि मोबिल वगैरह चेंज हो गया, सर्विस हो गई, अलाइनमेंट भी हो गए, अब गाड़ी लगी है वाशिंग के लिए, जो कि धुलेगी। इसके बाद देखते हैं इसका व्हीलिंग वगैरह क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गाइस हो गई है हमारी गाड़ी की कंप्लीट सर्विस, जो कि आप देख सकते हैं बाहर है खड़ी, और ये रहा इसका इनवॉइस, जो कि इसमें जो भी चार्जेस वगैरह लगे हैं, क्या क्या इसमें हुआ है, अलाइनमेंट हुआ है, फिल्टर ऑयल चेंज हुआ है, और मतलब जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे अपना रोक के आराम से आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर, और ये रही हमारी गाड़ी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस, मतलब समथिंग अगर चार्जेस की बात की जाए समथिंग 5,000-5,500 के आसपास सर्विस हुई है। तो गाइस हो गई है हमारी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट, अब हम निकल लिए हैं घर के लिए। तो यहाँ से मेरा घर पड़ जाता है मतलब 3-4 किलोमीटर के आसपास हो सकता है नॉर्मली, और ये जो एजेंसी है, मतलब एजेंसी और सर्विस सेंटर वगैरह दोनों पास में ही है, मतलब ज़्यादा बड़ी एजेंसी नहीं है, लेकिन ये है मारुति सुजुकी, जो कि पीलीभीत से ही कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर 12 पत्र चौराहे पर पड़ जाती है SBI बैंक के पास में। तो सर्विस हो गई है कंप्लीट, तो समथिंग इसका बिल हुआ है 5,000-5,500 के आसपास, और क्या कुछ इसमें चेंज हुआ है क्या कुछ नहीं वो मैं अभी आपको इसकी इनवॉइस वगैरह दिखा दूंगा। तो देखिए एसी फिल्टर वगैरह ऑयल वगैरह चेंज हुआ है,
और ऑयल फिल्टर वगैरह जो भी कुछ एक्स्ट्रा चेंज होता है वो सब हुआ है। बाकी तो नॉर्मली यार यही होता है, बस यही मारुति की गाड़ी लेने में सिर्फ यही एक फ़ायदा होता है कि आप सर्विस वगैरह कराएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा वगैरह पे नहीं करना होता, मतलब 5,000 के आसपास हर गाड़ी का आपका सर्विस वगैरह कंप्लीट होती रहती है। बाकी आप अगर और कोई गाड़ी लेते हैं जैसे महिंद्रा है, टोयोटा वगैरह, टाटा, जो भी आप लेंगे एक्स वाई जेड, तो उसमें आपको सर्विस चार्जेस कुछ ज़्यादा देने पड़ेंगे। और इसमें यही होता है मारुति की गाड़ी में कि आप कम पैसे में अच्छी सर्विस करा पाएंगे, समथिंग 5,000 के आसपास। तो ये सर्विस थी मेरी पेड वाली सर्विस। जिसका चार्ज समथिंग 5,000 के आसपास, मतलब 5,500 हुआ था तो थोड़ा डिस्काउंट वगैरह करवाया, तो 5,000 के आसपास मेरी सर्विस हो गई है। बाकी घर पहुँच के आपको इसका व्हीलिंग वगैरह दिखाता हूँ, क्योंकि रास्ते में है यहाँ गड्ढे वगैरह, तो यहाँ गाड़ी वगैरह साइड में हम लगाएंगे ना, तो सीधे घर चलते हैं, घर चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा इसका बिल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की डेट है 14/7/23, और गाड़ी का नंबर जो कि आप सभी लोग जानते हैं। बाकी अगर अमाउंट की बात की जाए तो इसमें ये सब कुछ नया पड़ा है, अलाइनमेंट हुआ है, फिल्टर एज ऑयल, और यहाँ पे गियरिंग, मतलब जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। और अगर इसकी अमाउंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर लेबर चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1660 रुपये देना पड़ता है, जो कि अर्टिगा BXi CNG है। बाकी ये लेबर चार्ज हर गाड़ी का अलग अलग होता है, बाकी जो गाड़ी है आपके पास उसका 1200, मतलब XYZ जो भी वैगनार, इको, अल्टो वगैरह सबका गाड़ी के हिसाब से चार्ज होता है। तो ये वैगनार, ये है हमारी मारुति सुजुकी अर्टिगा BXi CNG, तो इसका हमें देना पड़ता है 1660 रुपये, 375, 390। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5,000 हुआ है हमारा देने वाला अमाउंट। तो कुछ इस तरह का था इस आज की वीडियो में इसका फुल रिव्यू, मतलब जो भी मैंने कराया था, जो भी कुछ चेंज हुआ था, जैसे कि ऑयल फिल्टर वगैरह सभी कुछ इसमें चेंज हुआ था। बाकी कुछ इस तरह की थी ये वीडियो। बाकी आप अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहें। बाकी अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।